वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेहटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2019 के जनादेश को साजिश करार दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को दिग्भ्रम कर इन लोगों ने अपना एजेंडा सेट किया, इसका परिणाम आप लोगों के सामने है। 2019 का जनादेश साजिश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पार्टी के सभी प्रत्याशी को बुलाकर चर्चा की है, ये हार जीत तो चलती रहती है। हम मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर कोई निमंत्रण नहीं आया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ये कोई पहली बार जीत या हार नहीं है, यह कोई अंतिम जीत या हार नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग होती है, हमें एकजुट रहकर जनता के बीच जाना है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा निमंत्रण मिला है, हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अहमद पटेल से मुलाकात करेंगे। हम दिल्ली जा रहे हैं, बुलावा आया है। लोकसभा चुनाव में हार के सवाल पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है कि हार का कारण क्या है, क्योंकि NDA के तमाम शीर्ष नेता बिहार में रैली करने जब जुटते थे तो भीड़ नहीं होती थी। जो है ये लगातार चलता रहता है और ये हार कोई अंतिम हार नहीं है, ये कोई अंत नहीं है। हम इतना कहना चाहते हैं आगे की लड़ाई बाकी है और ये देश का चुनाव था, लगभग जो देश का जो ट्रेंड है वो एक जैसा ही है और बिहार का जो आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा, उसकी स्थिति और सिचुएशंस जो होते हैं, मुद्दे जो होते हैं वो अलग होता है। तो यहाँ जहाँ तक हम लोगों का आगे का कार्यक्रम पे भी चर्चा हुई है कि एकजुट रह करके जनता के बीच जाना है और अपनी बातों को रखना है, कुछ दिनों बाद आपको जो कार्यक्रम जो हम लोग जो तय करेंगे महागठबंधन के लोग उस पर भी बात करेंगे और कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको निमंत्रण भी मिला है कि दिल्ली में इसकी बैठक भी होगी चुनाव के परिणाम को लेकर। हमारी बात राहुल गांधी जी से भी हो रही है, प्रियंका गांधी जी से भी हो रही है, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अहमद पटेल, सब लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और कल परसों में जो बैठक होनी है दिल्ली में उसमें भी हम लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और एक कमिटी भी जो पार्टी द्वारा हम लोगों ने बनाने का काम किया है जिसका नेतृत्व जग्गा जी कर रहे हैं कि हार की समीक्षा जो परिणाम जो आए हैं असल में क्या कारण है वो जो है कमिटी जो है जांच कर रही है, जो भी रिपोर्ट होगा वो हम लोगों को सौंपने का काम करेंगे। देखिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार का परिणाम रिजल्ट सामने आ रहा है इसकी कल्पना और अनुमान हम लोगों को नहीं, जिनके सभाओं में बड़े बड़े NDA के नेता नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सुशील मोदी जी हों, ये तीन लोग जब जुटते थे तब 200-300 लोगों की भीड़ होती थी, सभा में होती थी और जिनके चेहरे झुके हुए थे, लटके हुए थे पूरे चुनाव दौरान, ये लग नहीं रहा था कि किसी प्रकार से इस तरीके का परिणाम आएगा। तरह तरह की चर्चे हैं, अलग अलग बातें निकल करके आई हैं लेकिन क्या असली कारण है ये बहुत जल्दबाजी होगा अभी आप लोगों के समक्ष बता, ना तो आप लोगों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है ना हम लोगों के पास, लेकिन इसका कारण जो है जनता के बीच रह करके हम लोग निकाल सकते हैं कि असल में क्या बात है। कई कारण सामने आ रहे हैं, बात हो रही है, सभी को देख रहे हैं। कई लोग इस उम्मीद में हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में ये होगा वो होगा, टूट जाएगा। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपको बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉट केयर मोबाइल ऐप Google Play Store से या वेबसाइट www.softcare.in।
अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।